अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मेरी वीडियोस के लिए देखने के लिए वक्त अपना कीमती वक्त निकाला। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बाहिम्मत खातून की, एक ऐसी खातून की जो मतलब एक जत्थे के सामने, दहशत गर्दों के उन जत्थे के सामने डट गई। डट गई ना कि डट गई, लेकिन उसने अल्लाह हू अकबर की सदा लगाई। ये वाक्या वो पेश आया इंडिया की रियासत कर्नाटक में। होता है दोस्तों यूँ कि एक लड़की आती है हजाब पहने हुए, वो अपनी मतलब बाइक पर आती है, वो अपने स्टैंड पर लगा कर कॉलेज में आ रही होती है, तो सामने एक एहतजाज कर रहे होते हैं, गुंडे कर रहे होते हैं इंडिया के, जो दोस्तों बीजेपी के जो एहलकार हैं वो एहतजाज कर रहे होते हैं हिजाब के खिलाफ। वहाँ एहतजाज हो रहा होता है, मुस्लिम तलबात हैं उन जो हैं वो इसके हक में जो हैं दोस्तों मुजाहरे कर रहे थे काफ़ी दिनों से, और इसके खिलाफ जो है दोस्तों इंडिया के जब वो मतलब हल्लड़बाजी कर रहे थे, उसके सामने एक बाहिजाब खातून आती है और सामने से उनके से मतलब वो जब उनको देखते हैं, देखते ही मतलब शोर शराबा करते हैं, तो वो लड़की उनके सामने डट जाती है, और डट जाती है कि और साथ में अल्लाह हू अकबर का नारा बुलंद कर देती है, और बुलंद आवाज़ में अल्लाह हू अकबर के नारे लगाती मतलब आगे चल जाती। उसने इंटरव्यू दिया है, उसने मतलब बताया कि जो हिजाब है, हम हिजाब जो है हमारा मतलब इस्लामी कल्चर है, हम इसको मतलब नहीं छोड़ सकते, हम मतलब हिजाब में आते हैं, कॉलेज आते हैं। वो काल उसने ये भी बताया कि मैं कॉलेज में जो है असाइनमेंट जमा कराने आई थी, और इस हल्लड़बाजी की वजह से मैंने जो है अपने अल्लाह का मतलब जो नारा है बुलंद किया, नारा तकबीर बुलंद किया अल्लाह हू अकबर। और इन दो पिछले 2 दिनों से ये दोस्तों ये ट्विटर पर ट्रेंड बनी हुई है, और टॉप ट्रेंड में मतलब अल्लाह हू अकबर को का नारा भी ट्रेंड में चल रहा है, और तमाम दोस्तों जो सोशल मीडिया प्लेटफार्म है, तमाम मीडिया जो प्लेटफार्म है, तमाम पर ये दोस्तों ये लड़की ट्रेंड बनी हुई है। और वाकई हकीकतन दोस्तों ये है बाहिम्मत खातून, जिसने हक की आवाज़ उठाई, हक मतलब बुलंद किया अपनी आवाज़ को, अल्लाह अकबर के नारे को बुलंद किया। ये है ईमान की कुव्वत, ये है जज्बा ईमान। दोस्तों आपने देखा होगा दोस्तों, दुनिया में जहाँ भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई मुजाहरा होता है, तो कोई ना कोई एक जो है ईमान वाला, ईमान का जज्बा रखने वाला शख्स, या चाहे वो मर्द हो या औरत, वो डट जाता है हक को मनवाने के लिए, डट जाता है। और ऐसी ही मिसाल आपको भारत की एक रियासत कर्नाटक में मिली, जिसमें एक खातून, बाहिम्मत खातून ने अपने मतलब नारे हक के साथ खड़ी रही और अपना नारा हक बुलंद किया, तमाम मुस्लिम उम्मत की जो है दिल जीत लिए उस लड़की ने। और मैं सलाम पेश करता हूँ उस बहन को जिसने यह कारनामा सर अंजाम दिया। तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको मतलब पूरी दुनिया में जानी चाहिए। ऐसी वीडियो उम्मत मुस्लिमा के लिए हैं, इसको आगे मतलब पूरी दुनिया में शेयर करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम, मिलते हैं अगली वीडियो में।